बॉलीवुड फिल्मों में अभिनेत्री के लिए काम करना काफ़ी कठिन होती है। इनको डायरेक्टर का हर बात माननी पड़ती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जाने माने अभिनेताओं से साथ रोमांस किया ही नहीं बल्कि इनके बेटे के साथ भी रोमांस किया। तो आइए जानते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। नंबर वन, माधुरी दीक्षित। लिस्ट में पहला नाम आता है बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का। इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर और इनके बेटे रणवीर कपूर के साथ रोमांस किया। माधुरी दीक्षित फिल्म याराना, प्रेम करण जैसी फिल्मों में ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी, जबकि इन्होंने फिल्म ये जवानी दीवानी गाने घंघरा में रणवीर कपूर के साथ रोमांस किया था। माधुरी दीक्षित इसके अलावा जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना और इनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ भी रोमांस कर चुकी है। नंबर दो, श्रीदेवी। हॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी धर्मेंद्र और इनके बेटे सनी देओल के साथ फिल्म में रोमांस करते हुए नजर आई थी। इन्होंने 1989 में रिलीज हुई चालबाज में सनी देओल के साथ रोमांटिक सीन दिए थे, जबकि यह धर्मेंद्र के साथ 1990 में रिलीज हुई फिल्म नाकाबंदी में नजर आई है। नंबर थ्री, डिम्पल कपाड़िया। जानी मानी एक्टर डिम्पल कपाड़िया ने साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म दुश्मन देवता में धर्मेंद्र के साथ किसिंग सीन दिया था। यह धर्मेंद्र के साथ फिल्म मस्त कैलेंडर में भी नजर आई। इसके अलावा डिम्पल कपाड़िया ने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ फिल्म मंजिल में भी काम किया था। नंबर फोर, अमृता सिंह। मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ फिल्म बेताब से हॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें इन्होंने अभिनेता के साथ कई रोमांटिक सीन दिए। इसके अलावा इन्होंने सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ फिल्म सच्चाई की ताकत में भी काम किया। इस फिल्म में यह धर्मेंद्र की पत्नी के रोल में नजर आए थे। नंबर फाइव, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकार हैं जो कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में नजर आ चुके हैं। इस फिल्म में इन दोनों के बीच रोमांस दिखाया गया। इन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म बस इतना सा ख्वाब में, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में रोमांटिक सीन दिए हैं। धन्यवाद। जय जय भारत।